रवि भाई का साइकिल ख़राब हो गया है। नमस्ते, बोलो इधर साइकिल शॉप है कहीं पे? कोई उपाय नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा। कितना प्यारा लोकेशन है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से जो नीचे देखता हूँ ना, मैंने सुबह में देखे जो लोग सब यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए आते हैं, और बहुत ये देखने को मिला है। ये देखिए बहुत सारे आईना है और आईने पे नंबर लिखा हुआ है। बहुत बड़ा सा सिटी नज़र आ रहा है नीचे में। हेलो, मैं जहाँ पे मैं रुका था उस जगह का नाम था चैनपुर, और चैनपुर से मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ। और ये देखिए इधर का माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी क्या है ना, काठमांडू तक मुझे थोड़ा सा डाउन थोड़ा सा अप, 2 किलोमीटर चढ़ाई 2 किलोमीटर डाउन ऐसे करके मिलेगा। और अभी ज़्यादा एकदम सी चढ़ाई नहीं है, जैसे कि कल वाली चढ़ाई थी ना, वो एकदम सी चढ़ाई नहीं है। अब थोड़ा सा 2 किलोमीटर डाउन 2 किलोमीटर अप ऐसे करके आने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से 100 किलोमीटर बचा हुआ है काठमांडू, तो आराम से पहुँचेंगे। ठीक है, चलते हैं। अभी मैं अभी चैनपुर से थोड़ा सा आगे आया हूँ, और यहाँ पे मुझे ये देखने को मिला है। ये देखिए बहुत सारे आईना है, और आईने पे नंबर लिखा हुआ है, बाइक का नंबर या कार का नंबर जो भी है लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है यात्रा सफल रहोस। ये कोई धार्मिक स्थल है नेपाल में, हो सकता है। और ये काठमांडू से तकरीबन 100 किलोमीटर पीछे है, और यहाँ पे ये पहाड़ पे सिर्फ आईना ही आईना दिख रहा है, वहाँ से स्टार्ट है। और ये देखिए हर जगह पे कील लगा करके चिपका देता है। ये देखिए कील लगा हुआ है और नंबर लिखा हुआ है। ये देखिए बहुत सारे पे नंबर लिखा हुआ है, जैसा कि दिख रहा होगा आप सभी को, देखना ना हर जगह पे। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे भी है मंदिर, ये देखिए भाई आईना ही आईना दिख रहा है। ओरी भाई साहब, और मूलकोट यहाँ से 2 किलोमीटर है। मूलकोट से 2 किलोमीटर पहले आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत ही यूनिक नज़ारा है। अरे भाई साहब, काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ देख करके। ओहो हो, अरे भाई साहब, नीचे में खेती हो रहा है। वो जो हैंडल वाला ट्रैक्टर होता है ना, जो हाथ से पकड़ के ट्रैक्टर चलता है, ठीक है, तो वहाँ से मतलब वो लेकर के यहाँ पे खेती हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे सामने में। और ये देखिए भाई साहब, कितना प्यारा लोकेशन है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से जो नीचे देखता हूँ ना, तो भाई डर भी लगता है, और जब ये ब्रिज हिलता है तो और डर लगता है ना रवि। बहुत ठीक है, चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और काठमांडू यहाँ से 70 किलोमीटर बाकी है, और धुलीखेल यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास में ही बचा हुआ है। काठमांडू तो आज नहीं पहुँच पाएंगे, कल पहुँचेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं यहाँ से। और आशुतोष भाई तो आगे निकल गए, बट हम लोग यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह शूट करने के लिए रुक गए थे यहाँ पे, चलते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और ये नदी भाई साहब बहुत ही प्यारा है। चलते यहाँ पे आलू का खेती दिख रहा है मेरे को। अपने गाँव में आलू की खेती करते ना हम लोग, इसको धूर देना बोलते हैं, उसी तरह से किया हुआ है, लेकिन छोटा छोटा क्यारी दे रखा है, लेकिन अच्छा लग रहा है आलू की खेती। तभी 5:10 हो रहा है, और हम सबको अभी जगह मिल चुका है। और कहाँ पे हूँ अभी ये मैं आप सभी को बताता हूँ। ये मंदिर का नाम है श्री जगवैजेश्वर त्रिवेणी धाम, ये मंदिर का नाम है। तो अभी यहीं पे है, और एक मंदिर इधर भी है, तो ये सब आपको बाद में दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, ओमकारेश्वर शक्तिपीठ, देख रहे ना। तो कोई ना, अभी अपना साइकिल यहाँ पर है, तो अभी ले जाते हैं उधर जहाँ पर भाई सब लेके गया है, उधर लेके जाते हैं और लगाते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। पहले बार पूछे तो पहली बार भी बोले, जो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के लिए, तो है ये रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी लेके चलते हैं और लगाते हैं। यही मंदिर है, देख लेना यहाँ पे। और अभी हम लोग यहाँ पे टेंट लगाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए हम लोग टेंट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और साइकिल भी यहाँ पे ले आए हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ पे त्रिशूल, और ये हमारे नंदी महाराज देख रहे हैं ना, और यहाँ पे है शिवलिंग देख रहे हैं ना। ठीक है, चलते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। अभी हम इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं भाई साहब। समझ रहे ना, अच्छा लग रहा है ये ट्रिप करके। नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी को भारत से नेपाल यात्रा में। अभी मैं काठमांडू से 48 किलोमीटर पीछे हूँ, और यहाँ पे एक मंदिर है जो कि आप सब पिछले ब्लॉग में भी देखे होंगे, श्री जगवैजेश्वर महादेव त्रिवेणी धाम। ये काशी खंड करके एक जगह है, यहाँ पे ये मंदिर है, और बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर। और यहाँ पे देखिए
ये शिवलिंग है और यहाँ पे ओम लिखा हुआ है, उस पर शिवलिंग डाला हुआ है, ठीक है। मैंने सुबह में देखे जो लोग सब यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए आते हैं, और बहुत ही सुंदर मंदिर है, आगे जाकर के भी दिखाता हूँ आप सभी को, ठीक है, बहुत ही सुंदर। और अभी निकलते हैं यहाँ से, चाय वगैरह भी पी लिया, और रात को टेंट यहाँ पे लगाया था, देख रहे ना, ये अलग सा जगह है, यहाँ पे टेंट लगाया था हमने, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और आज फाइनली काठमांडू पहुँच जाएंगे हम लोग, ठीक है, चलते हैं आगे। तो यही गुरुजी है, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ में, तो चलते हैं। और ये मंदिर है शिव जी का, देख रहे हैं ना, श्री जगवाजेश्वर त्रिवेणी धाम, देख रहे हैं। तो फाइनली यहाँ से निकल रहा हूँ काठमांडू की ओर, और ज़्यादा नहीं है, बस 48 किलोमीटर है, तो यूँ पार कर लेंगे आज, लेकिन यूँ करने में ना पशुपति तो काठमांडू में ही है भाई, तो अभी जा रहे हैं हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर के लिए। आज हम प्रस्थान कर दिया पशुपतिनाथ मंदिर के लिए, वो अगर देख रहे होंगे तो उनको भी 48 धन्यवाद, चढ़ जाएगा। अरे तो चाय पी रहा बैठल छो, अरे छोरा वो साइकिल लगा बैठल छो ना। नमस्ते, बोल रहा हूँ इधर साइकिल शॉप है कहीं पे, साइकिल दुकान, साइकिल दुकान। रवि भाई का साइकिल ख़राब हो गया है, मैं आगे जाकर के भी देखा था उधर, उधर मिला नहीं, कहीं पे शॉप नहीं मिला। तो ये भैया का गैरेज है यहाँ पे, बाइक गैरेज, ठीक है। तो यहाँ से रिंच वगैरह लेकर के अपने से कोशिश करते हैं ठीक करने का, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा, ट्राई करते हैं खुद से करने का, पैदल चुनता हुआ खुद से साइकिल बनाएगा भाई, ले लो उनमें से, देखना इसमें, देखना इसमें तो कोई नहीं है, देखो क्या करे, खुद से रिपेयर करना पड़ रहा है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा, यही दिक्कत सब होता है रास्ते में। जो भी दिक्कत था ना साइकिल में वो हो चुका है, रिपेयर कर लिया हम लोग खुद से, बहुत अच्छे से रिपेयर करे, अभी थोड़ा सा भी ढक नहीं है, वो जनकपुर में जो बनाया था ना उससे भी अच्छा हो गया है अभी, सच बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ भैया, जनकपुर में जो बनवाए थे ना उससे भी अच्छा हो गया, खुद से कर लिए हैं। हाँ सो थैंक यू सो मच ब्रो, आपने रिंच वगैरह दिया ना इसलिए कर पाए हम लोग, नहीं तो नहीं कर पाते, क्या ब्रो मुश्किल था बहुत, ठीक है तो अच्छे से हो गया पूरा मस्त, चलो सामान वान लाते हैं। यहाँ का जो जगह देख रहे हैं ना बहुत ही सुंदर है, सामने में पूरा बर्फ का पहाड़ दिख रहा है, बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा, और नीचे में ये जो घर सब दिख रहा है प्लस में खेत सब जो है ना बहुत ही सुकून दे रहा है देख करके, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पूरा आसमान अभी नीला था पूरा, थोड़ा सा भी बादल नहीं था इधर, लेकिन अभी पूरा बादल आ गया है, नहीं तो मस्त लग रहा था, ये बर्फ वाली बादल है, चले बढ़ाओ। ये नमस्ते सामने में दो बच्चा है ना वो दौड़ रहा है, देख रहे ना, हम लोग के पीछे पीछे ही दौड़ रहा था, अभी आगे हो गया है, हो गया, थक जाओगे हाथ, अरे भाई 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 हाँ दूटो हाथ नहीं गिर जाएंगे, ये बोल रहा है जो दोनों हाथ छोड़ के चलाओ ना गिर जाएंगे, अभी चढ़ाई है ना। अभी धूलीखेल से 15 किलोमीटर पीछे हूँ, और यहाँ का नज़ारा देखिए, बहुत बड़ा सा सिटी नज़र आ रहा है नीचे में, अरे भाई बहुत बड़ा सा, और अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत ही सुंदर व्यू है। और यहाँ पे है अपनी साइकिल, ये देखिए है ना कितना अच्छा व्यू लगा है। 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the moment passed time. खाना खाने के लिए सुबह का, बहुत ही महंगा है इधर, बहुत ही ज़्यादा महंगा है, क्या ही बताएं। और एक चीज़ और बताता हूँ आप सभी को, हम लोग के साइकिल, रवि भाई के साइकिल में 7 बल्ब लगा है, जो छोटा छोटा बल्ब होते हैं वो 7 पीस लगा है, उसका 200 रुपये बोला था नेपाली, 200 रुपये बोला, हम लोग का तो माथा गुर्म हो गया, इंडिया में तो फ्री में मिल जाएगा, फ्री में ले लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे 200 रुपया, यानी कि हम लोग का 120 के आसपास रुपया ले लिया, समझ रहे ना
इतनी महंगाई, ये सब के बारे में, नेपाल का ट्रिप जो हो रहा है ना, कंप्लीट हो रहा है ना मेरा, इसके बारे में आप सभी को अलग से बहुत कुछ बताएंगे, आप सभी को बहुत कुछ सजेशन भी देंगे, ठीक है अपने तरफ से, ठीक है। तो अभी खाना वाना खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से आगे, 15 किलोमीटर बाकी है यहाँ से धुलीखेल, उसके बाद में काठमांडू पहुँचेंगे और देखते हैं आज दर्शन हो पाएगा कि नहीं, नहीं तो कल दर्शन करेंगे, फिर आगे जो होगा दिखाऊँगा आप सभी को, ठीक है। ये खाना है चावल, साग, आलू गोभी का सब्ज़ी, इधर एक चटनी, इधर दाल, इधर एक और कोई चटनी है, ठीक है। तो बहुत सुंदर है, खाते हैं, खाना खा के एनर्जी लाते हैं अपने अंदर में, फिर निकलते हैं यहाँ से। अमी 21,000 कोई नहीं है जी, प्लस प्लस यूट्यूब में। अच्छा भारत भाई साहब बोले भारत बोला लो लो लो। मैं धुलीखेल में हूँ और अभी मुझे यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा काठमांडू के लिए। काठमांडू से पीछे हैं और एक मंदिर है वहाँ पे, तो मंदिर में तो आ गया हूँ। अभी मुझे ये सीढ़ियाँ चक्कर के ऊपर में जाना है क्योंकि मंदिर ऊपर में है और रहने का जगह भी ऊपर में ही है, तो साइकिल को भी ऊपर में ही ले जाना पड़ेगा। भारी है भाई, उठाओ उस साइड। हाँ अरे भाई साहब देख रहे हैं, थोड़ा सा बस बस और रवि भाई बोलोगे बैठने वाला का सुकून मिला, खाने के वाला इन माजी के द्वारा मिला है, तो भी प्रसाद खा रहे हैं हम लोग। कुछ कौन न्यूज़ है।